नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है 24 अप्रैल तक, और हमें क्या क्या पढ़ें और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें और कैसे पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको ये एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो कर सकते हो। आप सभी को पता है, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है 1 से लेकर 10 तक प्री में जो हमारी यूनिट है उस यूनिट में हमको दे रखा है। तो 1 से 10 की यूनिट में हमारे सब सब्जेक्ट है, MPGK से लेकर जितने भी सब्जेक्ट है सब। तो मैंने इसको 2 भागों में विभक्त किया है, जैसे एक बड़ी यूनिट जो हमारी बड़ी यूनिट है उसको अलग और छोटी यूनिट को अलग। तो पहले बड़ी यूनिट की हम बात कर ले, तो बड़ी यूनिट में भी मैंने MPGK अलग उठाया और इंडिया का अलग उठाया। तो MP में आप देख सकते हो पहला इतिहास, भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यहाँ की। तो पहली यूनिट और तीसरी यूनिट और यूनिट 5 ये हमारी MPGK से रिलेटिव है। फिर इधर बड़ी यूनिट में बात करें तो यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 6 ये हमारी बड़ी यूनिट में आती है जो इंडिया से। फिर छोटी यूनिट की बात करें तो यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी तो पहले सिलेबस पे बात, ठीक है। जिसको सिलेबस पता नहीं था तो उसको सिलेबस बता दिया। अब इस पे हम बात करें कि हमको कितने घंटे पढ़ना, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। हमको सिलेबस 24 अप्रैल तक कंप्लीट करना है, तो इन सबको एक साथ लेके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने इतिहास MP का उठा लिया तो इंडिया का उठा लिया तो फिर आप इधर छोड़ दिया। मतलब सिलेबस हमको एक तरह से पूरा कंप्लीट करना है। उसके लिए देखना तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। उसके लिए हमको सबसे पहले किसने कितने भागों में विभक्त कर लेना ये देख लेना है। बस इनको उठाना है तो ऐसे उठाना है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं MP, तो MP में ही हम उठाए पढ़ेंगे। फिर इंडिया तो इंडिया ही पढ़ेंगे। फिर छोटी यूनिट तो छोटी यूनिट। तो आपको इसको देख लेना, देख लीजिए कितने सब्जेक्ट है। जैसे 3 यूनिट है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन 3 घंटे में तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो 24 अप्रैल के लिए, तो आप 3 घंटे समझो, 3 घंटे में सब कंप्लीट कर ले तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबको एक जैसा वेटेज देना है। तो देखिए, अगर आप दे भी सकते हो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो ये आपके 6 घंटे हो गए। 6 घंटे भी मुझे लगता है कि इतना सब एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करें, जितना हो सके इसको 3 घंटे, MP को 3 घंटे दे दीजिए, MP के बाद इंडिया को 3 घंटे, और इन छोटी यूनिट को आप 2 2 घंटे में कर सकते हो डेली, क्योंकि ये छोटी यूनिट है। तो पहली बात करें पढ़ने की, तो कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, तो MPGK के लिए हमें परीक्षा धाम बुक और आकार IAS नोट्स, इन दोनों को उठा के रट लेना है बिल्कुल। इसमें समझने जैसी चीज़ कुछ नहीं है MPGK में, बस उन्हें हमें रटना ही है, ठीक है। और इंडिया इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इनको ही पढ़ने बैठेंगे तो 2 2 महीने 3 3 महीने का एक विषय है हमारा। अगर इनको ही हम पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा है। इसलिए हमको इसमें क्या करना है, इतिहास में, भूगोल में और राज्य व्यवस्था में, इसमें से हमें मुख्य मुख्य टॉपिक उठा लेना है और उनको पढ़ना है, ठीक है। जैसे भूगोल में और विश्व भूगोल दोनों संबंधित है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लेना है जो टॉपिक जो बहुत क्वेश्चन आए हो। आप इसके लिए आप क्या देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। तो इसको ज़्यादा देने का नहीं, पर मेरा मानना है कि राज्य व्यवस्था आप यूनिट 6 को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस समझने जैसी चीज़ें, एक तो आप अनुच्छेद अच्छे से याद कर लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ये चीज़ें अच्छे से देख लीजिए, और मूल अधिकार जो और मूल कर्तव्य इनके अनुच्छेद याद कर लीजिए पॉलिटी में, ठीक है। और भूगोल की बात करें तो भूगोल में बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक है, जैसे भूगोल में हम नदी, पर्वत, पठार जो है हमारा, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। इनमें ऐसे टॉपिक देख सकते हो। इनको अगर पूरा सिलेबस को बेसिक से वापस क्लियर करना चाहोगे तो आप मतलब 2 महीने में आपका कुछ भी नहीं होगा, 24 अप्रैल तक आप इसको ही कंप्लीट करते रह जाओगे। इसके लिए हमें क्या है, लूसेंट देख लेना है। लूसेंट में जो फेक दे रखे हैं उनको देख लेना है। माना कि लूसेंट में से अब की बार नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आया ही नहीं क्वेश्चन उसमें से। इनको करने की जगह, इनकी जगह हमको यूनिट 7, 8, 9 और MPGK, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनको ध्यान देने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद, इनको हमको उस टॉपिक से पढ़ना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे, और यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में आप परीक्षा धाम की बुक आई है, तो वहाँ से पूरा अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट 8 स्पीडी से आप वहाँ से देख लीजिए समसाई की, ठीक है। यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निर्माण IAS की बुक है, आप वहाँ से देख लीजिए। आयोग की भी निर्माण IAS की बुक है, और आयोग में आप की बार क्वेश्चन देखेंगे तो फैक्ट से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको एनालिसिस वाली चीज़ें मिलेगी, ठीक है। मतलब एक समझ डेवलप करना चाहिए आपको आयोग में, आयोग पढ़ते समय। तो इसके लिए आप जिस आयोग को उठा रहे हो, एक दिन कितने आयोग है, मुश्किल से 10 12 आयोग होंगे या 15 आयोग होंगे मुश्किल से, मान लो। तो 15 आयोग को, एक एक आयोग भी आप डेली उठाओगे ना, एम लक्ष्मीकांत और निर्माण IAS दोनों से पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत को एक बार रीड कर लीजिए बस, उसको कुछ नहीं करना। फिर निर्माण IAS में जो फैक्ट दे रखे हैं उनको याद कर लीजिए आयोग के लिए, तो आपके लिए इतना ही सफिशियंट रहेगा।
मेरे हिसाब से। और एमपी जीके के लिए आपको मैंने बुक बताई दी है यहाँ से, और एमपी जीके। और इसके लिए बात करें, इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस जिसने पढ़ रखा है उसके लिए अच्छा। अगर कोई न्यू है वो इतिहास पढ़ना चाहता है तो इतिहास अभी ना पढ़े वो तो अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ना चाहे तो ऑब्जेक्टिव लगा ले, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव लगा ले, और उसके बाद मुख्य मुख्य टॉपिक इतिहास के पढ़ ले, आधुनिक भारत में से, ठीक है, और प्राचीन भारत में से सिंधु सभ्यता और ये ऐसी चीज़ें पढ़ ले तो वहाँ से। और भूगोल की बात करो, विश्व भूगोल में आप प्रमुख जल संधि, प्रमुख सार्क वाले देश, आसियान वाले देश, मिडिल ईस्ट वाले देश, उनके राजधानी, उसके बाद घास के मैदान याद कर ले, जैसे अब की बार आए थे, जल जल संधि याद कर ले, प्रमुख सागर याद कर ले, दिशा याद कर ले, देश याद कर ले, ऐसी चीज़ें याद कर ले, मुख्य और पठार याद कर ले, पर्वत याद कर ले, प्रमुख प्रमुख विश्व में, यही चीज़ें विश्व भूगोल में से आएगी, ठीक है। विश्व भूगोल में से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना, ठीक है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें आप अनुच्छेद देख लीजिए अच्छे अच्छे और कोई जो टॉपिक समझने जैसे हैं वो टॉपिक समझ लीजिए, और इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इस वाले को क्वेश्चन को मानते हैं कि सब टॉपिक में से आपके बार देखोगे यूनिट 9, 10, 7 और यूनिट 6, इनको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे एक बात लगाया जाए तो एमपी जीके में से आपके बार कितने क्वेश्चन आए थे, एमपी जीके में से 35 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। फिर पॉलिटी की बात कर लें तो इसमें से कितने बने थे, इसमें से हमारे करीबन 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और यूनिट 9 की बात करें तो इसमें से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन बने थे ये। और उसके बाद बात करें समसाई की, जो यूनिट 8 है, तो इसमें भी हमारे 8 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अगर इसको ही देखेंगे आप तो 35 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये 45 45 के बाद 8, ये 8, ये 16, ये तो ये हो गए हमारे 45 और 15, तो ये 50 65 61, मतलब 66 को नंबर करीब यहाँ हमारे बन गए। उसके बाद आप इसमें से जैसे पॉलिटी में से, फिर उसके बाद भूगोल की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बनेंगे ही नहीं, भूगोल में से बना लीजिए, इतिहास में से ऐसा तो है नहीं, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो बनेंगे ज़रूर। फिर ऐसे करके हम बात कर ले यूनिट 7 की, यूनिट 7 तभी इसमें मैंने ऐड ही नहीं करा यूनिट 7 के, तो आप इनको ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। दोस्तों आप एक बार इसको देख सकते हैं, हमको पहले क्या उठाना है, पहले हमें एमपी जीके उठाना है, 3 घंटे इसको देना है, 3 घंटे फिर इसको देना है, ऐड में हमें इनको उठाना है। इसमें से पहले भूगोल उठा लिया हमने, ठीक है, 3 घंटे, 3 घंटे में भूगोल पढ़ना चाहोगे तो 1 से 2 टॉपिक रोज निपटा दोगे। ऐसे करके यहाँ पर पॉलिटी में उठाओगे तो 1 से 2 टॉपिक आप डेली उठा लोगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, टेस्ट लगाना है, टेस्ट, ठीक है। क्या लगाना है, इसके अलावा हमें टेस्ट लगाना है, जितने हो सके इतने टेस्ट, किसी कोचिंग की ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ आप जा सकते हो वहाँ पर क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो, सबसे मेन मुद्दा ये है। जिसने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसका क्वेश्चन कहाँ से आया और ये कौन सा क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या है, आपको अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या MCQ हो सकते हैं ये लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप बहुत अच्छे से उसमें फोकस होकर पढ़िएगा, ठीक है। उसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपसे, वो क्वेश्चन नहीं बना तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसकी जो व्याख्या दी हुई रहती है उस व्याख्या को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।